बाकी चीजें बंद कर रहा हूँ यार। नहीं, वो यूनिटी के बाद और भी चीजें खुले हुए थे तो मैंने तो 15वीं मीटिंग हो चुकी है ऑफिशियली। वैसे 16वीं 16th होनी चाहिए थी। पहली अटेंड, अच्छा 15 तो पहली मीटिंग मैंने 14 हफ्ते पहले अटेंड ली थी। उसके बाद में सेकंड आज है। शुरू करते हैं। आज 3 जनों का काम मेरे पास आया है। एक तो मेरा खुद का है। समित यस ने समिट में कुछ लेज वगैरह का बनाया है, पार्कोर सिस्टम। और मोहित शाह ने जो स्टोरी लाइन और कट सीन्स थे वो आगे बढ़ाया। नाइस ओके भाई, ये क्या सन्यासियों को आशीर्वाद देते हुए वीरेन साहब। द रियल किंग मेकर वीरेन। तो इन्वेंटरी सिस्टम सबसे पहले चालू किया अपन ने। जिसको भी पढ़ना है वो पढ़ लो, मैं डिक्टेट करके नहीं सुनाना ला। यस, अगर ये काम करना तो चाहता तो काफी तू काम तेरे, किया अरे भाई। तू तेरे हिसाब से बता देना क्या क्या करा है हिंदी में। पढ़ लेगा पढ़ने वाला। नहीं, वो वीडियो डाली मैंने यार, ओके देख लो। जो ऊपर स्क्रीन वाले टैब्स है वो तो पहले से अपन को पता ही है। जो ऊपर वाले टैब्स थे वो क्या थे? साउंड कंट्रोल्स, कंट्रोल्स तक अपन को पता है। इन्वेंटरी वाला नया टैब आया आज। इसमें 7 ऑप्शंस होंगे, बाकी छह लिफ्टेबल बनाने पोर्शन बाकी है। बाकी 6 टैब्स बनाने बाकी है। वेपन्स के अंदर ये ड्रैगन ड्रॉप का इंप्लीमेंट कर चुके हैं अपन। ये स्नैप नाइस। बोलते हैं। हाँ, स्नैपिंग हो गई। अरे स्नैपिंग डाल चुके हैं। अब वापस इस जगह पर स्नैप बैक हो जाए, अगर बीच में हट जाए तो वो करना है, इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, वो पता है। तो ये हो चुका अपना। बंद कैसे हो जाती है यार? व्हाट इज दिस? अच्छी एप्लीकेशन नहीं है क्या? अरे इसके अंदर जो लेज सिस्टम और पार्कर का मैकेनिक्स है वो प्रॉपर इसने कवर किया है, एटलीस्ट लेज सिस्टम का। तो अब इसके अंदर ये जो फोटो है, इसके अंदर जो येलो लाइंस है वो वन वे पैसेज की बता रही है। जैसे ये और ये येलो है, यहाँ ये येलो लाइन से कनेक्टेड है, तो एक वन वे स्ट्रीट ही है। यहाँ पर ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर नहीं आ सकता। पर यहाँ पर जैसे ये ओके ग्रीन लाइंस है तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, वापिस नीचे आ सकता है, इधर से इधर, इधर से इधर आ सकता है। बेसिकली ओके यही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ग्रीन शो कर रहा है टू वे और येलो शो कर रहा है वन वे। नाइस नाइस। बहुत सही प्रेजेंट किया यार, ये तगड़ा था। ये धोख देने के लिए रखा है, नहीं, धोख दे देते यस, भाई। इनके आशीर्वाद के धोख बिना दे, हम यहाँ नहीं होते। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। और मैं दादी की नहीं, समय की बात कर रहा था वैसे। अच्छा नहीं, दादी दादी की नहीं बात कर होती रहा तो है समित क्या? शाह नहीं होते फिर। नहीं, समीक्षा का आशीर्वाद और दादी की गालियां, इनके बिना हम यहाँ नहीं पहुंचते। तो ये तो ये बेसिकली जो इसने मेरे को बताया था वो मैंने कुछ लिखा है। हाँ, तो ये जो डायरेक्शंस थी, अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है अपना प्लेयर तो -1 से 1 जाएगा। उसके लिए नेक्स्ट फोटो है अपने पास में, रुक जाओ। -1 हाँ, से अब ये डायरेक्शंस है। वन। ये थोड़ा समझ समझा देगा, मैं जो थोड़ा कुछ कर दूंगा सबको।
ओके नाइस nice. ओके रे अरे भाई साहब कहीं वही तो नहीं है। मुझसे कौन सा पेज है? अरे मैं लिखा है हैं? पढ़ पढ़ लेना अब इतना क्या ही बताऊं मैं बहुत कुछ लिखा है। हाँ वो नॉरगार्ड जाता है, नॉरगार्ड में वो मीडोल जाता है, मीडोल में वो लड़ाई करता है फिर वो बाद में वहां से बाहर आके और लड़ाई करता बदमाश काफी शॉर्ट हो छोड़ा गए, काफी है। ज्यादा अब यार शॉर्ट हो गए। क्या बोलूँ अब मैं, पढ़ लेना आप लोग ओके ओके वो पढ़े लिखे हो। इतना फोटो को पायलट से बनाई थी क्या? अच्छा हाँ ठीक है, हेल्प करना मेरे को इसमें, मेरे को भी हेल्प चाहिए इसमें। ओके हाँ तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है फिर? कितना काम हुआ है आज तो एक और चीज मेरे को बतानी थी। हाँ ये फोटो लगा के रखो अरे 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 ये है फोटो तो भाई साहब पिंटू जाना अब कौन जरूरी हो ठीक। गया है। हाँ तो एक और चीज, अपन ने जो पेलेटेक्स के अंदर काम किया था कि दो 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 स्पीशीज होगी, एक एवियंट्स और एक लिजर्ड टाइप की। तो लिजर्ड का तो अपन ने नाम देख लिया था, चिंथल्स, मतलब कि थॉटफुल छत्तीसगढ़ लैंग्वेज के अंदर। जो एवियंट स्पीशीज होगी उसका नाम अपने नवाचरण रख रहे हैं। अगर चिंटल्स हाँ में से टी तो हटा दे तो चिलाल्स इन द एंड वही बनेंगे वो, दे विल हैव द प्रोस्टिट्यूट कल्चर्स, आई दे सी व्हाट यू आर, डिड थैंक यू वेरी मच, देर इज द रीजन। देयर तो नव आचरण बेसिकली संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड मतलब कि फॉर समथिंग न्यू, इनोवेशन वगैरह। तो फिर सिंस ये टेक्नोलॉजिस्ट है तो फिर मेरे हिसाब से ये नाम चेंज कर देंगे अगर ठीक नहीं लगा आगे तो। ये किस चीज के बट लिए लिख रहे हो आप? ये लगाएंगे नाम प्लेनेटेक्स, प्लेनेटेक्स की प्लेनेटेक्स बैक में कहाँ पे स्टोरी रखेंगे? मतलब ये इस तरीके से मैं सोच रहा था कि अगर प्लेनेटेक्स पे इंसान जा रहे हैं तो बिना किसी एक स्पीशीज के हेल्प के मतलब कब्जा करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अपने इंडिया के अंदर हुआ था कि राजाओं की हेल्प ली थी कोई, एग्जैक्टली कहाँ से मतलब राइबल्स की हेल्प लेके क्या बोलते हैं कब्जा कर लिया और धीरे धीरे राइवल्स को भी धोखा दे दिया और फिर सभी बैठे हुए हैं गुलामी में। हाँ और एक और चीज मैंने सोची है कि गेम के अंदर क्या हम लोग ऐसा एक सीन रख सकते हैं कि अपन जो ग्रुप मेंबर्स है, ग्रुप मेंबर्स है अपन लोग, तो फिर उधर बैठे हुए हैं आग के पास में और जो अपना मेन कैरेक्टर है वो आके मतलब इंटरेक्ट करे और अपन लोग मतलब उसको अलग अलग टाइप की कोई चीज बोले कि कोई अब्यूज कर रहा है उसको, कोई उस पर हंस रहा है, कोई बोल रहा है कि जाए यहाँ से, लेकिन एक एक साइड में बोर्ड लगा रहेगा वैशाली वॉज हियर। परफेक्ट है द थिंग परफेक्ट इज कि अगर ये उस बोर्ड को टच होता है या उसके आसपास में निकलता है तो फिर ये अपन लोगों से पूछेगा हु वाज वैशाली, तो फिर अपन सब लोग यूनिसन के अंदर हंसेंगे सीधा से नाइस मतलब
मोहित कट सीन डाल सकते हैं सर, कट सीट डाल सकते उधर, मतलब बेसिकली क्या आप बोलते चाहते हैं हो कि अपन, हमारे जो मेन कैरेक्टर है हम सब बैठ के उसको रोस्ट कर रहे हैं ऐसा बेसिकली, और मतलब अपन में से ले रहे एक एक उठ के बोलेगा या तो मोहित सा रहेंगे या फिर अभिषेक सा रहेंगे कि अरे वो तो थी यार कोई ये हैं। हिंदी में ही हाँ रखेंगे, ये इंटरेस्टिंग, वाली हिंदी में रखेंगे या तो मारवाड़ी में रखेंगे, तो जिसकी मारवाड़ी मारवाड़ी का अच्छी है वो। भरपूर उपयोग लिया जाएगा प्लेनेट एक्स में ऐसा। हाँ तो मैं ये सोच रहा था कि अपन जो मेन टीम मेंबर्स है वो हर एक गेम के अंदर कहीं ना कहीं रूप से आएंगे, जिनके साथ फनी वे में इंटरेक्ट हो सकता है, और इन दी एंड मतलब कैरेक्टर सोचेगा कि ये क्यों है, यस बस। ओके नाइस। तो बैक टू माय क्वेश्चन, यस अरे हाँ वो मैं भूल गया था, तो पीटीआई सर ने बोला था कि वो पीटीआई सर ने कुछ सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, गेम सर, गेम डिजाइनर कोई कोर्स था, तो पीटीआई सर बताएंगे अब क्या क्या सीखा है अभी तक, क्या वो कोर्स चीज है। मैंने बता रहा कि क्या क्या सीखा है, काफी जम्बल्ड अप चीजें हैं। मेरा ओवरऑल इंटरेक्शन रहा है, मेरा कोई बात, मेरा ओवरऑल इंटरेक्शन रहा है तो अलग अलग लोग बनाने वाले हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पे, जैसा संवित सर का भी रहता होगा नॉर्मली। एक जो वेव चल रही है कि अभी किस टाइप के गेम चल रहे हैं, उनके क्या क्या डेमोग्राफिक रहते हैं, काइंड ऑफ जो लोग हैं क्या चीज़ें पता रही है, और साथ ही साथ यूट्यूब। फिलहाल पिछले 2 महीने से मैंने यही करा है, मैंने उसको ना स्टोरी को आगे बढ़ाया ना कुछ करा है, मैं अलग अलग चीज़ें एनालाइज कर रहा, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लोग, उनसे बात करने की कोशिश, चीज़ें समझने की कोशिश, ताकि मेरे को भी पल्ले पड़े कि आगे भाई अपन को करना क्या है, कैसे करना, ताकि अभी जो अपन चीज़ कर रहे हैं वो स्टार्टिंग स्टेप है और इसके आगे अपन को प्रिपेयर रहना पड़ेगा काइंड ऑफ। अच्छा मेरे पास प्रिपेयर नहीं है फिलहाल, अभी स्ट्रेटेजीज अपने पास यही है मार्केटिंग का लेके, कि एक मेरा और मिंटो से की बात चल रही थी, जैसे कि अभी जैसा अपना प्रोडक्ट है वो फाइनलाइज नहीं है, तो क्या कंटेंट अभी निकालना सही रहता है या फिर अभी से डॉक्यूमेंटिंग स्टार्ट कर दें, और डॉक्यूमेंटिंग स्टार्ट करते करते जो भी क्रिएशन का प्रोसेस है, जो भी मेकिंग का प्रोसेस है, अपन ये डालना स्टार्ट किया। तो मैंने मिंटू को बोला था, यही चीज़ बोली थी कि भाई जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट होता है वो काफ़ी क्या कह सकते हैं, अप्रोचेबल, काफ़ी काइंड ऑफ सोशल्स के ऊपर जो लोग हैं उनको समझ में आती है ये चीज़। हाँ वो ये चाहते हैं कि ये चीज़ बन रही है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, उनको उनको है ना, प्रोडक्ट तो अच्छा है ही नो डाउट, बट उसमें जो ह्यूमन है, उसमें जो ह्यूमन इंटरेक्शन है जिससे वो इस कंपनी का पार्ट खुद बन सकेंगे, तो वो चीज़ भी डालनी है। तो इसलिए ये जो अपन चीज़ें कर रहे हैं, एक पॉइंट आएगा तो टाइम में जब अपन जैसे मिंटू ने बोला इंटरव्यू वाला वीडियो बनाया था, तो अपन उसको और काइंड ऑफ स्केल पे करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि अपन और वीडियोज निकालें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर। और मिंटो को जैसे मैंने आइडिया दिया था कि नेक्स्ट वाली अगर क्या कहते हैं, जब भी उसकी टर्न आती है शेलो टाइप की, तो मिंटो को ये बोला था कि जो जैसे अब हम जितने भी इंडिविजुअल हैं, हम हफ्ते भर में जो भी चीज़ें कर रहे हैं, हम काइंड ऑफ उसका पर डे की फोटोज या स्नैप्स या छोटे छोटे वीडियोज बना के मिंटू को सेंड कर देंगे, और मिंटू काइंड ऑफ उसको पूरा एक नरेटिव स्टाइल के अंदर प्रेजेंट करेगा, तो उसमें मिंटू का भी एंगल आ रहा है। और आपको मैंने एक बंदा बताया था रिजवान, वो एक काइंड ऑफ वेटरन है, ऑलरेडी इन्वेस्टर है, तो
ट्राइंग टू गेट इनटू गेटिंग इनटू द सर्कल दैट इज इट सर किस किसको वैशाली को वैसे मैं पता बोर्ड इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज थोड़ा ना हो जाए ज्यादा ना हो जाए इसलिए रख रहा कि वैशाली वो थी कि वो थी गालिब ले गया उसको हमको दिखाते अरे यार वापिस 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 सीन तो शेयर कर अब इसलिए सेलिब्रेशन हुआ था ओके समझ जाता है आपके तो हुआ एक ही तो ही आप बेर मोइचा नाइस आपके एक ही हुई है अच्छा ओके ओके हाय करा बब्बे कब आना है अम्मू अमू का तो पता नहीं मैं पिंटू अभी जा रहा हूँ नहीं आऊंगा पिंटू